नमस्ते दोस्तों, अभी मैंने एक भाग आपको निरोगी दोहों के अंदर कई रोगों का उपाय बताया। अब मैं आपको द्वितीय भाग के अंदर और दोहे को अंदर आपको कई बीमारियों का इलाज मैं बताता हूँ। सुनिए आप, दही मथे माखन मिले, केसर संग मिलाए, होठों पर लेपित करे रंग गुलाबी आ, यानी कि दही को मथने के बाद जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को केसर के साथ मिलाई करके जिनके होठ फट जाते हैं या कोई तकलीफ होती है तो उनको रोज लगाने से होठ गुलाबी हो जाएंगे। आगे सुने आप, बैती नाक जो नाक हो बहुत बुरा हो हाल, यूकलिप्टस से तेल ले सूंघे डाले रुमाल। अगर नाक बह रही है, आपको जुकाम हो रहा है, आपका हाल बुरा है तो यूकलिप्टस का तेल आप रुमाल के अंदर 5-10 ड्रॉप डाल करके उसको दिन में 3-4 दफे सूंघने मात्र से ही आप ठीक हो जाएंगे। अजवाइन को पीसिए, गाढ़ा लेप लगाए, चर्म रोग सब दूर हो, तन कंचन बन जाए। जहां स्किन डिजीज होती है तो अजवाइन को पीस करके उसका लेप बना के लगाने से ठीक हो जाती है और जो चमड़ी है वो एकदम चमकीली बन जाती है। अजवाइन को नींबू अजवाइन को पीस ले, नींबू संग मिलाई, फोड़ा पुंछी दूर हो, सभी बला टल जाए। देखिए एक बात बता देता हूँ, ये बहुत बढ़िया प्रयोग है लेकिन थोड़ी जलन होगी। अजवाइन को पीस करके और नींबू के रस के अंदर मिला के जहाँ फोड़ा और फुंसी होते हैं वहाँ लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। अजवाइन गुड़ खाइए तभी बने कुछ काम, पित्त रोग में लाभ हो पाएंगे आराम। अजवाइन और गुड़ इनको चबा के सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खाने से आपके शरीर में अगर एसिडिटी है, पित्त का रोग है, वो ठीक हो जाएगा। ठंड लगे जब आपको, सर्दी से बेहाद, नींबू मधु के साथ में अदरक पिए उबाल। जब आपको ठंडी लग जाती है मौसम के हिसाब से तो उस वक्त आपको हाल खराब हो जाता है तो शहद के अंदर नींबू का रस और अदरक का रस ये लेकर के उबाल करके इनका सेवन करने से आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। अदरक का रस लीजिए, मधु लेवे संभाग, नियमित सेवन जब करें सर्दी जाए भाग। सर्दी अगर और लग गई है तो अदरक का रस और उसमें शहद, ये दिन में 3 दफे आप चाटिए, आपकी सर्दी भाग जाएगी। रोटी मक्के की भली, रोटी मक्के की भली खा ले यदि भरपूर, मक्के की रोटी। आह क्या कहना, मक्के का नाम आते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। रोटी मक्के की भली खा ले यदि भरपूर, बेहतर लीवर आपका, टीबी भी हो दूर। आह मक्के में कितना गुण है, आपका लीवर ठीक हो जाएगा इसकी रोटी खाने से और जिनको टीबी की बीमारी है उनको भी आराम मिलेगा। गाजर रस संग आंवला 20 से 40 ग्राम, रक्तचाप हृदय सही पाए सब आराम। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको
हृदय की कोई ना कोई तकलीफ रहती है, तो गाजर के रस के साथ में आंवले का रस मिला के और 20 ग्राम ये नित्य लेने से हाई ब्लड प्रेशर कम होगा और हृदय आपका मजबूत होगा। शहद आंवला जूस हो, शहद आंवला जूस हो, शहद आंवला जूस हो, मिश्री सब 10 ग्राम, 20 ग्राम में घी साथ में यौवन स्थिर काम। देखिए, शहद आंवले का रस और मिश्री ये ले आप और 20 ग्राम घी डालें, शहद और घी की मात्रा में फर्क रहना चाहिए, तो इसका सेवन करने से आपका यौवन हमेशा स्थिर रहेगा, यानी कि आपकी उम्र बढ़ती जाएगी लेकिन वो दूसरों को महसूस नहीं होगी। आप ऐसे दिखेंगे, 50 साल के भी ऐसे दिखेंगे कि आप 25 साल के हैं। किससे? शहद आंवला इनका रस और इसमें गाय का असली घी इनका सेवन करना। चिंतित होता क्यों भला, देखे बुढ़ापा रुक, हाय हाय बुढ़ापा मेरे को भी आ गया। चिंतित होता क्यों भला, देखे बुढ़ापा रुई, बुढ़ापा देखे रोना आ जाता है। बुढ़ापा वाकई खराब चीज है। चोलाई पालक भली, यौवन इस्तर हो। जब आपको ऐसा लगे कि आप बुढ़ापा आ गया, शरीर के अंदर अगर कमजोरी है, अगर आपको अगर ऐसा लगता है तो चिंता हो जाती है, तो इस अभी ये मौसम है, इसमें पालक आएगा और चमलाई आएगी। चोलाई भी बोलते हैं, कहीं इसको चंदलाई भी बोलते हैं। इसको लोग खर पतवार की तरह समझ के फेंक देते हैं। ये एक दिव्य सब्जी है, ताकत की सब्जी है। तो चमलाई की सब्जी और पालक की सब्जी का जो प्रयोग करेंगे तो उनको बुढ़ापा नहीं आएगा। लाल टमाटर लीजिए, खीरा सहित स्नेह जूस, करेला साथ हो दूर रहे मधुमेह। टमाटर लाल और खीरा इनका रस निकाल करके, टमाटर और खीरा इनका रस निकाल करके एक कप सुबह एक कप शाम को हल्का सा गर्म करके, थोड़ा समय सेंधा नमक डाल करके, और यदि इनका सेवन करेंगे तो थोड़ा करेले का रस हो तो डायबिटीज के अंदर बहुत आराम मिलता है। यानी कि लाल टमाटर और खीरा जो आता है, खीरा और इनका जूस और करेले का थोड़ा जूस, तीनों को मिला करके आप सेवन करेंगे तो डायबिटीज में आपको बहुत राहत मिलेगी। आगे सुने आप। प्रातः संध्या पीजिए, खाली पेट स्नेह, जामुन गुठली पीसिए, नहीं रहते मधुमेह। अभी जामुन खूब आ रहे हैं, सुबह शाम खाली पेट जामुन की गुठली को पीस करके उसका पाउडर फक्की लगा के खाने से डायबिटीज ठीक होती है, आराम मिलता है। 7 पत्र ले नीम के, खाली पेट चबाई, दूर करे मधुमेह को, सब कुछ मन को भाई। जिनको डायबिटीज है तो 7 नीम के पत्ते सुबह सुबह, पत्ते कुछ कच्चे होने चाहिए, पके हुए पत्ते ना खाएं। पके भी खाएंगे फायदा करेगा लेकिन कड़वे ज़्यादा लगेंगे। तो 7 पत्ते नीम के चबा करके खाने से सुबह
डायबिटीज के अंदर बहुत आराम मिलता है। सात फूल ले लीजिए सुंदर सदा बहार, दूर करे मधुमेह को जीवन में हो प्यार। अब ये सात फूल ले लीजिए, देखो कहीं ऐसे दोहे भी हैं जहां हम विवशता महसूस करते हैं क्योंकि नाम नहीं दिए। खैर जाने दीजिए। तुलसी दल दस लीजिए उठ कर प्रात काल, सेहत सुधरे आपकी तन मन हो माला माल। तुलसी के पत्ते दस लेवे और सुबह उठ करके उसको खाएं तो आपका मन और आपका शरीर हमेशा सदा बाहर रहेगा और डायबिटीज के अंदर भी फायदा करेगा। हाँ, अब मैं आ गया उस दोहे पे, एक मैं अब दोबारा सुनाता हूँ, थोड़ा प्रिंट में गड़बड़ हो जाता है, मैं क्या करूँ बताओ। सात फूल ले लीजिए, ये सात फूल का मतलब अब मेरे समझ में आ गया, जो सदा फूली होती है, सदा फूली जिनके बारे में ना फूल आते हैं, सदा फूली के फूल, इनको सदाबहार भी कहते हैं, सदा फूली भी कहते हैं। इनके एक दो फूल को रोज सुबह खाने से डायबिटीज को आराम मिलता है और जीवन में बहुत आनंद होता है। लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के किसी वैद्य की देखरेख में करें। थोड़ा सा गुड़ लीजिए दूर रहे सब रोग, अधिक कभी मत खाइए चाहे मोहन भोग। यानी कि थोड़ा सा गुड़ आप सेवन करें, आपके पास कोई रोग नहीं आएगा। और चीनी से मोहन भोग, अगर जो कोई रसगुल्ला टाइप मिठाई होती है वो सेवन करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। अजवाइन और हींग ले, लहसुन तेल पकाए, मालिश जोड़ों की करें दर्द दूर हो जाए। जिनको आर्थराइटिस है, जिनके जोड़ों में दर्द है, जिनकी कमर में दर्द है, तो अजवाइन और हींग और लहसुन ये तेल में पकाए के उसकी मसाज करने से आराम मिलता है। एलोवेरा आंवला करे खून में वृद्धि, उदर व्याधियां दूर हो जीवन में हो सिद्धि। यानी कि एलोवेरा यानी कि गंवार पाठा और आंवला ये खून को बढ़ाते हैं और आपके पेट संबंधी रोगों को दूर करते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। दस्त अगर आने लगे चिंतित दिखे मात, दालचीनी का पाउडर ले पानी के साथ। जिनको पतले दस्त आ रहे हैं और चिंता लग जाती है कि बार बार दस्त आ रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मुंह में डाल के पानी पी लें, आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। कंचर काया को कभी पित अगर दे कष्ट, घृत कुमारी संग आंवला करे उसे भी नष्ट। यानी कि आपका जो ये काया शरीर है इसके अंदर अगर आपको पित्त का दोष होता है और आपको तकलीफ होती है, डकार आती है, गले में जलन होती है, तो गंवार पाठे का रस के साथ आंवले का रस थोड़ा सा लेके कुछ दिन पीने से आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। 20 मिली रस आंवला 5 ग्राम मधु संग, सुबह शाम में चाटिए बड़े ज्योति सब दंग। यानी कि 20 ml आंवले का रस और 5 ग्राम या 5 ml शहद, इनको सुबह और शाम को चाटने से आपकी
ज्योति इतने आपका चेहरे पे इतना तेज आएगा कि लोग दंग रह जाएंगे। आगे सुनिए। बीस मिली रस आंवला हल्दी हो एक ग्राम, सर्दी कफ तकलीफ में फौरन हो आराम। जब आपको सर्दी और कफ, देखिए ये आंवला और हल्दी, आंवले के रस के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें और इसको लेने से आपका कफ है जो निकल जाएगा और आराम आ जाएगा। नींबू बेसन जल शहद, नींबू बेसन जल शहद मीठी लेप लगाई, चेहरा सुंदर तब बने बेहतर यही उपाय। अगर आपको अपने चेहरा और गाल को सुंदर बनाना है तो नींबू और बेसन और शहद इनका लेप लगाइए और उसके बाद धोएंगे तो आपका चेहरा। अब आजकल ये करती है ना औरतें, देखो हम समझते नहीं, हमने तो कभी किया नहीं। मधु का सेवन जो करे सुख पावेगा सोई, कंठ सुरीला साथ में वाणी मधुर में हो। जो शहद का रोजाना सेवन करते हैं तो उनका गला कभी नहीं बैठता, आवाज सुरीली होती है। पीता थोड़ी छाछ जो भोजन करके रोज, नहीं जरूरत है वैद्य की चेहरे पर हो। जो खाने के बाद में थोड़ी सी छाछ का सेवन करते हैं, अरे छाछ में बहुत गुण होते हैं। भोजन करते, भोजन किया छाछ पी लो एक गिलास, तो कभी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके चेहरे पे नूर टपकेगा, नूर। हाँ देखता हूँ, हाँ ठंडे अगर लग जाए तो नहीं बने कुछ काम, नियमत पी ले गुनगुना पानी दे आराम। अगर आपको सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है तो काम नहीं बनता, कोई दवाओं से फायदा नहीं होता, तो रोजाना आप गुनगुना पानी अगर दो पांच दिन पिएंगे, दिन भर पिएंगे गुनगुना, तो आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। देखिए ये हो गया आपका, मैंने दोए, अब मैं आपको फिर और सुनाऊंगा। वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।